तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्राइवेसी फीचर बताने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंटली एक अपडेट में एक ऐप के अंदर अपडेट किया गया है, बोल सकते हैं रोल आउट कर दिया गया है। जैसा कि आपको बता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको एक ऑप्शन मिलता है या बोल सकते हैं एक फीचर मिलता है क्विक शेयर, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में या सैमसंग गैलेक्सी में डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ वहां पर कमाल के दो नए फीचर एड ऑन किए गए, बट एक प्राइवेसी के लिए बहुत ही शानदार वहां पर फीचर एड ऑन किया गया है। क्या ये फीचर है, कहां मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों, जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल के एक फीचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ पहले गैलरी में। तो यहाँ पर मैं गैलरी में आ गया हूँ। गैलरी आने के बाद मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्विक शेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, अभी फिलहाल मेरे को ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है विदाउट अपडेट करे हुए। ऊपर यहाँ पर नियर बाय शेयर में जो भी होगा वो दिख रहा है। नीचे यहाँ पर कॉपी लिंक, शेयर यू लिंक यूजिंग ऐप और शेयर यूजिंग QR कोड का ऑप्शन मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ थ्री डॉट्स में जाएंगे तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग और कॉन्टैक्ट का। और यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर अबाउट में जाके इसको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँ, आप यहाँ पर अपडेट के लिए क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर है 13.5.51.10, जिसका अपडेट को रोल आउट कब किया गया है, 23 अगस्त 2023 को रोल आउट किया गया है। उसका साइज है 39 MB का। यहाँ पर देखेंगे क्या नया एड ऑन किया गया है। यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए। पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ। इम्प्रूव टू मेक पॉसिबल टू शेयर कॉन्टेक्ट विथ एनीवन बाय सिलेक्टिंग कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटेंट को सेंड कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ कॉन्टेक्ट। ठीक है, सबसे पहला फीचर ये दे रखा है। सेकंड जो कमाल का फीचर है उसमें जो ये है, एडेड अ प्राइवेट शेयरिंग फीचर फॉर सेफ शेयरिंग ऑफ प्राइवेट एंड सेंसिटिव कंटेंट। मतलब कि आप यहाँ पर प्राइवेटली अपने किसी कंटेंट को सेंड करना है तो आप उसको सेफली और सेंसिटिव कंटेंट को अच्छे से भेज सकें, ताकि आपका डेटा कहीं लीक ना हो, डेटा आपका बिल्कुल सही जाए और एक लिमिटेड टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाए, वो डिलीट हो जाए। कैसे, अब ये हो गया अपडेट, वापस गैलरी में आए, शेयर पे क्लिक करा, क्विक शेयर पे गया। क्विक शेयर पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको पहले उसने इंटीमेट कर दिया कि एक नया फीचर यहाँ पर हमने एड ऑन कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए आपको खुद ही टिप दे रहा है आपको कैसे इसको भेजना है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर उसने टिप दिया है, सबसे पहले यहाँ पर इसको स्वैप करेंगे, शेयर विद समवन नियर बाय, मेक श्योर द रिसीप्ट है क्विक शेयर टर्न ऑन इन द क्विक पैनल एंड देयर इज ऑन। तो आप यहाँ पर उसको किसी को भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट में भेजना है तो आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके डायरेक्टली भेज सकते हैं, और साथ में शेयर फाइल्स प्राइवेटली आप प्राइवेटली भी यहाँ पर भेज सकते हैं। इफ प्राइवेटली शेयरिंग अगर आपने टर्न ऑन कर लिया तो वो डेटा कहीं भी सेव नहीं होगा और कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये कमाल का फीचर यहाँ पर एड ऑन किया है। तो आप देखेंगे अब ये नया इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर नीचे जो पहले ऑप्शन आते थे कॉपी लिंक, शेयर वाय और QR कोड वाला, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऊपर नियर बाय का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन दिया गया है कि QR खोलना है तो आप यहाँ पर QR कोड को एक्सेस कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर बात करें अब कैसे शेयर करना है, जैसे कि अगर आपको लिंक शेयर करना है तो लिंक कॉपी लिंक का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी लिंक करके कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को कॉन्टेक्ट में शेयर करना है, जैसा कि पहला फीचर है कि आप डायरेक्टली कोई भी कंटेंट को डायरेक्ट अपने कॉन्टेंट में सेंड कर सकते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर व्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है और इसको मैसेज का ऑप्शन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे नंबर यहाँ पर खुल जाएंगे, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको ऐसा ऑप्शन मैसेज आएगा, अ टेक्स्ट मैसेज ऑफ कंटेनिंग अ लिंक विद बी सेंड टू द रिसीव्ड। ओके पे क्लिक करेंगे और वहां पर एक मैसेज सेंड हो जाएगा जिसमें एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप खोल के डाउनलोड कर सकता है। तो सबसे पहला फीचर यही यहां पर एड ऑन किया गया है। और अगर आपको डायरेक्टली किसी मोबाइल पर लिंक भेजना है तो आप यहां पर शेयर पर क्लिक करो QR कोड पर, और यहां पर कॉपी पर क्लिक करके किसी को भी लिंक को शेयर आउट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर जो यहां पर दिया गया है वो है यहाँ पर प्राइवेटली वाला, जो कि बेस्ट मेस्टरिंग फीचर है, टर्न ऑन प्राइवेट शेयरिंग। तो प्राइवेट शेयरिंग दोस्तों काम कैसे करता है, जैसे कि आप देखेंगे प्राइवेट शेयरिंग का क्या फीचर है, डाटा प्रोटेक्शन, टाइम लिमिट शेयरिंग एंड रीशेयरिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्या है, फाइल्स यू कैन शेयर इनक्रप्टेड सो ओनली द रिसिप्टेड कैन बी डन। तो जो भी फाइल इसके थ्रू शेयर होगी वो पूरी इनक्रप्टेड होगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और क्या होगा, टाइम लिमिट शेयरिंग, मतलब कि यहाँ पर कंट्रोल हाउ लॉन्ग रिसीव कैन बी एक्सेस द फाइल यू सेंड, कैंसिल द एक्सेस इफ एनी टाइम। जब आपने किसी को कोई फोटो भेजी है तो कितने टाइम तक उसके रहने वाली है, और बाद में अगर आप चाहें तो तुरंत ही उसको
कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद है शेयरिंग प्रोटेक्शन, प्रिवेंट द रिसेप्टिंग फ्रॉम टेकिंग स्क्रीनशॉट और शेयरिंग द फाइल विथ अदर। तो यहाँ पर आपको उसका अगर वो स्क्रीनशॉट ले रहा है या किसी को शेयर कर रहा है तो वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिंग है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, प्राइवेट शेयर फीचर आर नाउ पार्ट ऑफ क्विक शेयर, इफ यू वांट टू टर्न ऑफ द प्राइवेट शेयरिंग आल यू सेंड टू प्राइवेट शेयर ऐप विल नीड डिलीट कैन बी लॉन्गर बी व्यूड। ओके कर दिया आपने, यहाँ पर इसको ओके पे क्लिक कर दो। अब ये प्राइवेट शेयरिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गया है, ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। यहाँ पर सेट एक्सपायरी लिखी हुई है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं बाय डिफॉल्ट 2 डेज आ रही है। अगर आपको एक दिन के लिए करना है या आपको कुछ घंटों के लिए करना है कि बस कुछ घंटे रहे उसके बाद आपने वो टाइम सेट कर देना है और उतनी देर बाद वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और भेजने का प्रोसेस सेम वही है कि आपको बगल में क्यों शेयर को ऑन कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ कि ये जो एक्सपायरी प्राइवेसी शेयरिंग वाला फीचर है सिर्फ गैलेक्सी यूज़र के लिए ही काम करेगा, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा। तो यही नया अपडेट था, यही नया फीचर एड ऑन किया गया है जो कि मुझे बहुत शानदार लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।